मुझे सामने इस वक्त हम प्रोफेसर तारिक फिरोज साहब की अलविदाई पार्टी में मौजूद हैं। जनाब प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मोहम्मद अतीक खान शाहिद साहब, डॉक्टर नवीद शहजाद साहब चेयरमैन शुभ इस्लामिया, जनाब प्रोफेसर सादिक हुसैन साहब शोब उर्दू, प्रोफेसर फ़कीर हुसैन साहब शोब फिज़िक्स, जनाब प्रोफेसर इकराम ताहिर साहब शोब फिज़िक्स, और तारिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद। तारिक साहब से पूछते हैं, जब उन्होंने इस कॉलेज में बतौर लेक्चरर ज्वाइन किया, उसके बाद फिर बतौर एसोसिएट प्रोफेसर यहीं से अपनी 33 साल सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर हुए, जबकि उनका घर गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद के बिल्कुल साथ ही था, बल्कि अगली गली में था। इस दौरान उन्हें बहुत दफ़ा मौका भी मिला और वहाँ सीटें भी खाली हुई, लेकिन उन्होंने कभी ना ट्रांसफ़र के लिए कभी अप्लाई किया ना कभी सोचा। अब उनसे इस बारे में सवाल पूछते हैं, इस कॉलेज में वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से उनका दिल इसी कॉलेज में लगता था? तारिक साहब मुश्किल हो जाना यार, नहीं मैं तेरे मैच अच्छा नहीं करता, सोच रहा हूं नहीं इंटरव्यू का फिर कर लूं ना, हम सवाल कर अपनी रिटायरमेंट के बारे में। चूँकि इस कॉलेज में शुरू से इतना प्यार मिला जी, इतना दोस्तों का आपस में एक दूसरे के साथ ताबुन था, इतना डिपार्टमेंट में कॉलेज में ओवरऑल एक घर की तरह था, तो इसलिए घर के साथ कॉलेज होने के बावजूद, सीटें होने के बावजूद, इसलिए मैं वहाँ जाना प्रेफर नहीं किया, बल्कि यहीं पर रहना गवारा किया कि यहाँ पर थोड़ा सा दूर है लेकिन जो है वर्किंग का माहौल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए यहीं पर रहें जी। कॉलेज का माहौल, कॉलेज के अंदर बिल्डिंग के अंदर शहर और दोस्तों के अंदर एक ऐसा शहर था कि जिसकी वजह से इसी कॉलेज में दिल लगा। कुछ उन दोस्तों को याद करना पसंद फरमाएंगे जो उस वक्त यहाँ पे थे, शोभा अंग्रेजी में या कॉलेज के अंदर? शोभा इंग्लिश में थे, प्रोफेसर ज़फ़र रशीद साहब जो गोजरा से आते थे, प्रोफेसर तारिक खान साहब, प्रोफेसर आसिफ भट्टी साहब, ये सारे दोस्त बहुत अच्छे। कमर उज़मा, कमर कादरी साहब, गुलाम नबी शाकर साहब, बल्कि चौधरी रियाज साहब, हाजी अरशद साहब, ये सारे दोस्त वक्तन फवक्तन रहे हैं और बहुत अच्छे रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहे हैं जी। हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आपसे रब्ता करवाते हैं। थैंक यू सर।